दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल के टॉप एमसीक्यूज जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वायुमंडलीय दाब को खालिस्तान द्वारा नापा जाता है, आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बैरोमीटर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सही आंसर रहेगा वरुण ग्रह, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए, सबसे ठंडा ग्रह वरुण है क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, तो ये भी नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। सही आंसर रहेगा कोपरनिकस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी। सही आंसर रहेगा दोस्तों अल्फ्रेड हेक्स ने, यानी कि राइट आंसर रहेगा सी, सॉरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शनि सूर्य का खालिस्तान ग्रह है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा छठा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं, ₹170 की पीडीएफ है, इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, बारकोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है। सही आंसर रहेगा 111 किलोमीटर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। सही आंसर रहेगा दोस्तों शनि, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, सातवें क्वेश्चन का सही आंसर। आठवां क्वेश्चन है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों बृहस्पति के, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग खाली स्थान प्रतिशत भाग भूमि है। सही आंसर रहेगा 30% का, नौवे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी, यानी कि दसवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0° अक्षांश पर स्थित है। सही आंसर रहेगा भूमध्य रेखा, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। सही आंसर रहेगा अफ्रीका, यानी कि 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है।
सही आंसर रहेगा चंद्रमा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, संगमरमर खालिस्तान की एक कायनांतरित चट्टान है। चूने का पत्थर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक करते रहिएगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों देशांतर, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अत्यंत को देखा जा सकता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों, इक्कीस जुलाई को, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य समय का अंतर कितना है? सही आंसर रहेगा 5.5 घंटे का दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? जलवाष्प इसमें सही आंसर रहेगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, सही आंसर रहेगा 22 दिसंबर का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? सही आंसर रहेगा क्रायोमीटर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन है, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब है? सही आंसर रहेगा 3.5 बिलियन वर्ष, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह नहीं है? मंगल ग्रह, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, तो ये सही आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में खालिस्थान है, तो सही आंसर रहेगा दूसरा स्थान है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? डी राइट आंसर रहेगा प्रशांत महासागर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को खालिस्थान कहा जाता है? सही आंसर रहेगा साइनोमीटर, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों एल्फ्रेड वेगनर, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा, 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 8 मिनट में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सेलेनोलॉजी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिरस बाहे सौर प्रणाली का चमकीला ग्रह है, इसे और क्या कहा जाता है? सही आंसर रहेगा
डॉग स्टार, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश के बराबर है। सही आंसर रहेगा 111 किलोमीटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 40,000 किलोमीटर, ए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। सही आंसर रहेगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में आकाश के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 5वां, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो सही आंसर रहेगा शनि का, यानी कि सी सही आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, 38 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह, ये आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है सबसे कम प्राइस में और सभी एग्जाम्स के लिए, एक बार विजिट जरूर कर लेना। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो 170 रुपीज़ की मास्टर पीडीएफ है, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर पीडीएफ का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर पर इसका बारकोड मिल जाएगा, जैसे मर्जी आप लोग पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट अगर आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे कैसे भी करके, तो आप लोगों को पीडीएफ व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।